Have you ever tried to carve out a pumpkin? If not, you should definitely try. It's super fun. Okay guys, so जैसे मैंने बोला, I have two pumpkins right here. ये दो pumpkin मैं लेके आई हूँ नोफ्रिल से. और मेरे पास यहाँ पे एक थाली है और तीन चाकू है और टिश्यू पेपर है और एक पेन है. राइट, सो मेरे पास तीन अलग अलग साइज के चाकू हैं. विल सी कैसे कार्व कर सकते हैं. मेरे पास एक पेन है जिससे अपना डिज़ाइन बनाएंगे और टिश्यू इन केस गंदा हुआ तो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो मैं बैठ गई हूँ रेडी विद माय पम्पकिन सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज ड्रॉ ऑन दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट गाइस, सो ये है मेरा स्माइली पम्पकिन पे. ये मैंने बनाया है. ये गोल आंखें भी प्रॉपर गोल नहीं है, बट चलेगा, देख लेंगे क्या होता है. तो अब नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही आप पम्पकिन को साफ करके क्लीन करके ऐसा एक स्माइली बना लेते हो, और यू कैन गो वाइल्ड विथ डिफरेंट शेप्स. मैं ईजी से स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाला सबसे ईजी लग रहा है मेरे को. और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो ऊपर का पार्ट है ना पम्पकिन का, और आप पम्पकिन लो तो मेक श्योर करना उसके पास पम्पकिन में ऐसे थोड़ा होल्ड करने के लिए स्टेम हो. ठीक है, तो अपने यहाँ से गोल काटेंगे और ये निकालेंगे, और अंदर से जितने भी बीज है वो सारे निकाल के साफ कर लेंगे अंदर से सबसे पहले. ठीक है, तो वो स्टेप स्टार्ट कर. सो लेट मी मेक अ गोला फर्स्ट. आप देख रहे हो मैंने गोल बना दिया यहाँ पे पतला सा. ठीक है, अब मैं जिस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ऐसा पतला सा लंबा सा चाकू है उससे मैं कार्व करने का ट्राई करूँगी. एक्चुअली मुझे ये वाला बेटर लग रहा है. ठीक है, सो लेट्स सी. ओह, अंदर जा रहा है. बट आई थिंक इतने बड़े चाकू से काटूँ उससे अच्छा मेरे पास एक छोटा चाकू भी है, ये वाला, तो मैं इससे ट्राई करती हूँ. आप देख रहे हो मैं जैसे डाल के ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक्स डाल रही हूँ और फिर निकाल रही हूँ. तो पूरा राउंड तो नहीं होगा, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर ऐसे चक्कर लग जाए और फिर मैं निकाल के पूरा सीड वगैरह निकाल लूँ. थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी. निकल गया. ओके, अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कैसा दिखता है. ये रहा अपना पम्पकिन, और अब अपने ऐसे हाथ निकाल के ईयू ये सारे सीड्स ऐसे करके यक ऐसे निकालेंगे. इसलिए मैंने ये थाली हैंडी रखी है. So I'll continue doing that. गाइस,
तो ये रहा सारा कचरा जो बाहर निकला, ठीक है। और पम्पकिन मैंने इतने लेवल तक क्लीन किया है, थोड़ा बहुत अभी भी है अंदर, बट मैं मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तो मैंने इतना रखा है। और ये ढक्कन एक्चुअली मैं बाद में बंद कर दूँगी, ये ऐसे बंद हो जाता है, बाद में बंद कर दूँगी, और अभी के लिए ये कचरा है। अब आते हैं फर्न पार्ट पे, जो अपने स्माइली कार्व आउट करना है, दैट वुड बी आर नेक्स्ट स्टेप। ओके गाइस, तो मैंने एक एक करके दो आंखें निकाल दी हैं साइड से चाकू से ऐसे करते हुए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये स्माइली भी निकलने वाला है, ही हा हा हा। और ये पार्ट जो होता है, यू हैव टू क्लीन दिस पार्ट। ओके, तो ऐसे क्लीन करना है। और मैंने जब अंदर से क्लीन किया तो बहुत डिटेल में नहीं किया था, तो उसकी वजह से बहुत सारे थ्रेड्स रह रहे हैं, तो इसको अब मैं एक साथ सारा क्लीन कर दूँगी। ओके गाइस, सो मेरा ये पम्पकिन रेडी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू थिंक दिस पम्पकिन इज क्यूट और नॉट। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कार्विंग एवर, तो ये मैंने सबसे पहली बार कार्व किया है आपके साथ ऑन दिस वीडियो। लेट मी गो ओवर द होल प्रोसेस वंस अगेन। तो मैं नो फ्रिल से पम्पकिन लेके आई, $2 या $3 के होते हैं। फिर मैंने इसको बाहर से पूरा क्लीन किया, ठीक है, साफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मैंने किया कि मैंने उस पर एक डिज़ाइन बनाया, आंखें और मुंह, ठीक है। आंखें और मुंह बनने के बाद मैंने ऊपर से गोला काटा, यहाँ से ये पार्ट निकाला, और अंदर हाथ डाल के जितने बीज और फाइब्रस थ्रेड्स थे वो सारे निकाले। सो आप कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हो वो सब निकालने के लिए। और उसके बाद जब ये सब थ्रेड्स और बीज वगैरह निकल जाए, उसके बाद आप एक डिज़ाइन बनाओगे आंखें और मुंह, और यू कैन गो क्रेजी एंड देन स्लोली कार्व आउट ऑन योर डिज़ाइन, ठीक है। इट्स वेरी इजी, आप कोई भी चाकू यूज़ कर सकते हो। मैंने ये छोटा वाला चाकू यूज़ किया था, थोड़ा शार्प होना चाहिए, और उसको यूज़ करते हुए पूरा कार्व कर दो। यू हैव योर हैलोवीन पम्पकिन रेडी। दिस इज हाउ यू कार्व आउट योर हैलोवीन पम्पकिन, सुपर ईजी। ये आपको हाफ एन आवर लेगा, थोड़ा मैसी प्रोसेस है, आई वुडन लाइक, दिस इज़ अ मैसी प्रोसेस फॉर श्योर, बट आई थिंक इट्स अ फन प्रोसेस। सो जब थोड़ा वेदर अच्छा हो आप मेरी तरह बाहर बैठ सकते हो और पम्पकिन को कार्व आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं रात में इसके अंदर एक कैंडल रख दूंगी एंड देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। आई एम श्योर इट विल लुक सुपर क्यूट एंड फन। इट्स नॉट स्पूकी, आई डोंट लाइक स्पूकी थिंग्स, तो मैंने स्पूकी नहीं बनाया, मैंने क्यूट बनाया। Okay guys, so I really hope you like this video, and let me know if you have any other tips on how to carve out a pumpkin. Guys, after carving it, I have now lit a candle inside, so it's a tea light if you can see, and see how it's glowing, right? And it's just evening, but as the night turns, it will get even, look at that how you do it. So there you go guys, you have the entire video on how to carve out your pumpkin. So make sure you carve out one this Halloween. Happy Halloween!